my hometown, okay, Consul in General. I am very, very happy to be here, to be with you this afternoon. You know, this time I got Dr. Anand Kumar Swami, a fellow, and this is the first person, Chinese person, who got the fellow from India, Saudi Academy, coming from India. I am very, very happy. This is my best honor to have this kind of, I mean, the fellowship. This time I came here just for, I don't know, I came here for studying, you know that. I have been offered for 3 months study trip in India, but because you see, I have work, I had to make money for my family, so I just come here for 50 days. So now also I am writing the book of in India, 50 days, 50 days in India. Pardon, member Justin, me ekitab likrao ki sare iske baare mein. जो इस दौरान मैंने क्या देखा है, मुझे अफसोस महसूस क्या है, लगा है, इसके बारे में मैं, I feel very sorry to, I think I'd better to speak in English, because in Hindi language, because I do think I, even I come to India, I prefer speak in Hindi language. So that you say my, you know, my leader here, who is sitting here, maybe you cannot get the meaning of that. But it is okay for me to, I'm sorry for that. ठीक है, पहले मैं, वैसे तो आप तो मुझे पता है मुझे कितना समय दिया? नहीं 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 हो सकता जो 20 minutes, आधा घंटा 20 minutes ना? ठीक है, आप बैठिए ना, ठीक है, मैं समय को देख कर नहीं, ठीक है. वैसे तो ठीक है कि मैं यहाँ आया और इसी साल में मुझे जो फेलोशिप मिला, ये बड़ी खुशी की बात है. और मुंबई में आकर सारे, अभी जो इसके पहले मैंने सारे जो जगह को देखा है, कोलकाता गया है, विश्वबाल्दी गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, हाँ काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैं गया है, डी ओ में, जे एन यू में, सारे. वैसे भारत के लिए मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, मैं अपने को भारत का कोई दूसरा आदमी नहीं समझता. और मैं भारतीय जो भाषाओं है, मैं हिंदी बोलता हूँ, पर भारतीय दूसरी भाषा का विरोध नहीं करता हूँ. मैं थोड़ा सा बंगाली सीखी है मैंने, और उल्टू सीखी है, और थोड़ा सा और क्या सीखी, मैंने संस्कृत भी सीखी है, पाली थोड़ा सा. और इसके बारे में मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ ना. और इस बात को यहाँ आया है कि मैंने देखा है पहले से थोड़ा सा फर्क. और भारत में ले लिए वो क्या है कि पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं जो 30-32 साल के पहले मेरी रुचि नहीं थी जो भारत के बारे में, पर भारत में यहाँ अगर 2 साल ठहरने के बाद मुझे लगता है मैं भारत के बारे में ही काम करूँगा. आजीवन में मैं जो अपना जो डिवोशन भारत ही दे दूँगा. बात क्या है कि भारत में अगर हम देखते हैं जो भारत और चीन के बीच जो इतिहास है, कि इस संबंध के बारे में जो कहते हैं, वो एक दूसरा, भारत और चीन आपस को एक दूसरा नहीं है, मिली जुली है. उसके बाद भूल है, हम कहते हैं भूल क्या है, बहुत भूल है. एक तो क्या है, वो जो कैलाश तो भूल है ना, कैलाश, आप जो कैलाश को बहुत पवित्र जगह समझते हैं, हम भी बहुत पवित्र जगह समझते हैं. शिव जी वहाँ बैठे हुए हैं, पर हमारे गौतम जी भी वहाँ बैठे हुए हैं. आप समझते हैं गौतम जी आपके हैं, पर हमारे भी हैं. आधिकांश हम हमारे जो गौतम जी वहाँ बैठे हुए हैं. आप जो कैलाश मानसरोवर की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, हम इस सखो करते हैं, हम वहाँ जाकर सभी काम करते हैं. और जीनी में एक परंपरा है जो पानी को उबार कर पीते हैं, बट मानसरोवर का पानी हम उबार कर नहीं पीते, हम वैसे ही पी लेते हैं. बात क्या है, मानसरोवर का पानी है वो, कोई दूसरा पानी नहीं है, सामान्य पानी नहीं है, वो पवित्र पानी है, पानी है, ये हम समझते हैं. वैसे तो यह एक, हम कह सकते हैं जो कैलाश मानसरोवर एक भूल हो सकता है. कैलाश से जो बांज नदियां जो निकलती हैं, तो सिंधु नदी बन गई है, बाद में एक गंगा नदी बन गई है, और एक मानसरोवर बन गया है, और दूसरी पंजवा वाला ब्रह्मपुत्र बन गया है. आप देखिएगा
कि ये जो चीन और भारत के बीच ये जो कैलाश है काम पर हो रहा है कि हम यहाँ पर कैलाश पर यहाँ हैं, पर इसको कैसे संभालना है भैया, क्या करना, ऐसा करना है? ठीक है, ये कैलाश है, आप देखिए कैलाश मानस और यहाँ पर है, और हमारे हमारे बीच बैठे हुए कौन है यहाँ पर, ये आदमी कौन है आप सब जानते हैं ना, ये आदमी कौन है जो पीछे वाला है, जो 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 भाषण देने वाला है, और मुझे यहाँ पर मैं मिस ठाणु को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, यूँ नहीं मुझे ये फीचर फोटो को मुझे भेजा है और मैंने तुरंत इस पर मैंने लगाया है। वैसे तो ये किताब के लिए है, वैसे तो कैलाश के बारे में मैं एक बोल कहता हूँ। दूसरा वाला क्या है कि बौद्ध धर्म बात क्या है कि चीन और भारतीय सभ्यता के बीच का एक पुल भी है। आप मान लीजिएगा कि बौद्ध धर्म जो चीन सभ्यता का एक तिहाई का जो भाग है, भारतीय सभ्यता ने हमको ये दिया है, जो चीन सभ्यता का एक तिहाई भाग है भारतीय सभ्यता ने दिया है, हमने मतलब जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, क्या है चीनी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता का भाग, बौद्ध धर्म आपका भाग ही है आप मान लीजिएगा, स्वीकार कर लिया है और उसकी प्रचार कर लिया है, और साथ ही बौद्ध धर्म के का प्रचार प्रसार कर लिया है बिना एक पैसा भी नहीं लिया, पैसा लिया नहीं तो ये प्रचार कर लिया, आप मान लीजिएगा ये कौन सी बात है, आप तो नहीं, आपने दिया है, अगर आपने देना चाहते थे, हमने चीनी सभ्यता लेना नहीं चाहता, क्या ये दान हो सकता, नहीं हो सकता, चीन यहाँ है भारत में, वो दान देना दान लेना एक बराबर है ना, एक दूसरे को ओ धन्यवाद देने की बात है, एक दूसरे एक ही है, मिली जुली है। और आज के आप मानते हैं कि बौद्ध गौतम जी जो आपके विष्णु जी का अवतार है, अवतार चाहे है या जन न आपके ही हैं, पर चीन में भी बैठे हुए हैं, हम मानते हैं सारे चीन, आप मान लीजिए चीन में हम कहते हैं कि कन्फ्यूशस, वो कन्फ्यूशस है कि साथ साथ हम जो बौद्ध धर्म के मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं, आप मैं तो नहीं कह सकता मैं कन्फ्यूशस हूँ या बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ, ये नहीं कह सकता, मैं गौतम जी की पूजा करता हूँ, उसके पैर में छूता हूँ, हाँ यही काम करते हैं, ये जो दूसरा हो सकता है ना, मतलब जो पुल है, वैसे तो ये जो दूसरा पुल है, तीसरा पुल है मानते हैं, और क्या है जो हमारे बीच इतने बड़े बड़े जो फिगर्स हैं, आप मान लीजिएगा 67 AD में कौन हमारे जी में आए हैं, काश्यप थंग जी और धर्म रत्न, ये दोनों बहुत बड़े आदमी हैं जी में आए, और बौद्ध धर्म का क्या है सूत्र 42 章经, जो 42 सूत्र है वही है जो 42 का है ट्रांसलेशन क्या है, वो चीन में सबसे पहला बौद्ध धर्म का संस्कृत से चीनी में हुआ, एंशियंट क्लासिक चीनी में हुआ ऐसा है, उसके बाद इतने लोग आए हैं हमारे यहाँ जो बोधि धर्म, और इतने जो नाम है मैं यहाँ पर बहुत बैठे हुए हैं, मैं अभी निकाल नहीं, समय की कमी की वजह से नहीं निकालूंगा, और चीन से इतने लोग यहाँ आए हैं, आप मान लीजिए फाशियन श्वेनजांग ई जिंग, श्वेनजांग के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्या हो रहा है श्वेनजांग के बारे में, यहाँ पर था जो मैं वो नहीं वहाँ छाया वो जो बहुत वार श्वेनजांग के बारे में क्या हो रहा है, मौस तो नहीं, हाँ आ गया, आ गया आप देखिए, चलो ये देखिए श्वेनजांग के बारे में क्या हुआ है, वो पैदल है, आप देखिए मान लीजिएगा क्या आज वेद हवाई जहाज हम ये काम कर सकते हैं, श्वेनजांग इस पर तो यहाँ पर जो सारे जो भारत का यात्रा करने में, पहले मैं जानता था मेरी जानकारी थी कि श्वेनजांग भारत में आए 14 सालों में यहाँ तेरे ये काम किया वो काम किया, पर मेरे दिमाग में ये चित्र नहीं था, आप देखिए सारे भारत को
शेंजांग भारत में सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं है, एक मॉन्क नहीं है, वो प्रोफेसर भी थे. शेंजांग नालंदा विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे, वो क्लास देते थे. कौन क्षेत्र में? ओ महायान क्षेत्र में भारतीय स्टूडेंट्स को देते थे. मैं अभी कहता कह सकता हूँ, मैं तो हिंदी का प्रोफेसर हूँ. मैंने भी कहता रहता हूँ, बात क्या, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ. जी मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी उतनी नहीं है कि भारत में प्रोफेसर बन जाऊँ, वो नहीं. जी मैं, पर श्वेंजांग भारत में प्रोफेसर बन सकते हैं. आप मान लीजिएगा श्वेंजांग चीनी है या भारतीय है, ये सब सारी सारी बातें हैं. और उनके बाद और एक नाम मैं ले लूँगा, कौन है? कुमार जीव कौन है? कुमार जीव भारतीय है या नहीं? नहीं है, सिर्फ भारतीय नहीं है, चीनी भी नहीं. वो भारतीय चीनी है या चीनी भारतीय है? बात क्या है, उनके पिताजी भारतीय हैं, उनकी माता जी चीनी है. और मैं जोक तो नहीं, आजकल मैंने देखा है, मैं देखता रहा तो इतने जो भारतीय जो नौजवान लोग जो लड़के हैं, चीन में जाकर अभी चीनी लड़कियों के साथ शादी की है. हालांकि उनको दहेज नहीं मिल सकता, पर बात क्या है, उनके पिता उनके बेटी कुमार जी बन जा सके हैं ना, यही है. हालांकि उनके दहेज तो नहीं है. जी में आप लोग मान लीजिएगा, जी में आपको मालूम नहीं होगा, जी में लड़का वाला दहेज देता है, लड़की वाली दहेज लेती है भैया. हाँ ये उल्टा है, पर मुझे ये बहुत पसंद लग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी बच्ची है ना, मेरी बच्ची है, इसलिए सभी है. मतलब यहाँ और ये एनफील्ड है जो लड़की की साइड से ना, हाँ यही. इसलिए जो भारत में जो मैं भाषण देते समय मैं सारे लड़कों से बाद में कहता हूँ कि बाद में दहेज मत लो. मुझसे पता है कि प्रोफेसर साहब हम तो नहीं लेते, पर ये देती है. मैंने कहा इनकार करो, अगर इनकार कर दे तो नहीं लेना, इसके बारे में है बस यही. मेरा कहना यह है कि कुमार जीव ने कितना बड़ा काम किया चीन के. ये तीसरा पुल जो चीन और भारत के बीच, ये तीसरा पुल, पहला कैलाश, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जो कितने बड़े ग्रेट फिगर्स जैसे आपने नाम लिया है, प्रोफेसर जी शेन ने क्या किया है और प्रोफेसर थाई युनशान ने किया गया है. इतने लोग हैं हमारे, हम छोटे हैं, ये बड़े हैं, हम उनके पीछे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, फॉलो अनुयायी तो बन सकते हैं ना. अजो तीसरा वाला मैं समझता हूँ ये पुल है. और चौथा वाला पुल क्या है, मैं बहुत महत्व देता हूँ चौथा वाले जो पुल पर, ट्रांसलेशन. जो चीन की एक परंपरा है, परंपरा क्या है, अनुवाद. भारत का अनुवाद आप मान लीजिएगा, चाहे श्वेंजांग, चाहे वो जो प्रोफेसर जी शेन लिन, चाहे और कुमार जीव, पर भूल कैसे बन सकते अनुवाद के वजह से. मैंने अभी भी कहा है जो काश्यप थंग और थमरत्न उन दोनों ने जो पहला सूत्र बौद्ध धर्म के सूत्र जी जो संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया है वो, और भारतीय सभ्यता ने कैसे कौन सी माध्यम से चीनी सभ्यता को बौद्ध धर्म अपनी सभ्यता का एक भाग बौद्ध धर्म को चीनी सभ्यता को सौंप दी, वो थ्रू क्या, अनुवाद. अनुवाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है. आप मान लीजिएगा अभी हम कहते रहते हैं जो भारतीय इतिहास क्या है, अगर ये कह सकते हैं बिना श्वेंजांग के मटेरियल्स हम कहते हैं जो भारत का इतिहास हम कैसे लिख सकते हैं. इतिहास में ऐसे हम कहते रहते हैं जो श्वेंजांग के जो लिखे हुए जो मटेरियल्स के अनुसार भारत में ये जगह वहाँ पर है, वो जगह आज वहाँ पर भी है. इतने जो 57वीं शताब्दी में जो हुआ है, लिखा हुआ है, आज वही है. इसलिए इस पर जो ट्रांसलेशन जी में कितने ट्रांसलेशन, वो जो अनुवादक है श्वेंजांग आए है कुमार जी सबसे पहला. अगर हम कहते हैं जो जी में सारे जी में जो सबसे मशहूर सबसे प्रसिद्ध जो अनुवादक कौन है, सबसे पहले कुमार जी आते हैं. कुमार जी का नाम आता है, वो क्या है, वो बहुत बहुत वो भारतीय नहीं है, चीनी भी नहीं है, पर वो भारतीय चीनी है या चीनी भारतीय है.
इसलिए इसके बाद ट्रांसलेशन इसी के वजह से मैं मुझे लगता है और एक बात मैं बताता हूँ कि कोलकाता में मैं भारत सेवाश्रम के हेड मॉन्क महाराजा नाम जहाँ पर पैदे हुए हैं यहाँ लगता है आजकल तो मुंबई में है रामकथा के बारे में बातें कर रहे हैं व्याख्यान कर रहे हैं उन्होंने मुझे क्या कहा है उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर साहब मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलकर आपने बहुत बड़ा काम किया है मैंने छोटा काम किया उनसे बातें नहीं मैंने उन्होंने कहा काम तो छोटा नहीं हो सकता ठीक है मैं आदमी छोटा है और काम बड़ा है पर उन्होंने क्या किया है कि जो इंग्लिश लोग भारत के आने के पहले या चीन के आने के पहले भारत और चीन के बीच वो संबंध अच्छा था एक दूसरे को समझ सकते थे ना इसी जो बारे में और उन्होंने कहा है कि जो ब्रिटिश जो ईस्ट में आने के बाद जो वैसे लोग ईस्ट में आने के बाद सारा जो हमारे बीच का संबंध हमारे बीच का आना जाना सब स्टॉप हो गया है आज और कुछ लोग हमारे बीच दीवार बना रही हैं हम इनके पीछे फॉलो नहीं करना चाहिए हमको वैसे तो मुझे दिमाग में भी ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है भैया भारत सेवाश्रम मेरे दिमाग में बहुत लगता है जैसे ऐसे से हो सकता है कि वो सिर्फ भारत पर ध्यान देते हैं दूसरे जो विदेशी पर क्यों देते हैं पर ये महाराज है जो भारत सेवाश्रम के हेड मॉन्क है वो बहुत बहुत सही अच्छे आदमी है चीन और भारत के बीच उनकी जानकारी काफ़ी है और काफ़ी अच्छी है मैं उनसे सहमत हूँ मैं उनका अनुयायी बनना चाहता हूँ पर समय नहीं है मैं बाबत जाना है काम करना है वैसे तो इसी से लेकर मैं समझ अभी भी एक जर्नलिस्ट एक रिपोर्टर ने मुझे इंटरव्यू किया है उनका प्रश्न ये है आप यहाँ पहले हुए यहाँ चले गए हैं मुझे बताया कि आप क्योंकि समय नहीं है पहले जा रहे हैं हो सकता है चले गए हैं कि मुझसे पूछा है कि प्रोफेसर साहब क्या आप कैसे सोचते हैं क्या आप समझते हैं कि शी जिनपिंग और मोदी इन दोनों ने चीन और भारत के बीच का जो बॉर्डर समस्या को हल कर सकते हैं रिसॉल्व कर सकते हैं मैंने क्या कहा मैंने उत्तर में दिया है मैं ये दोनों कुछ तो कर देंगे पर आई कैन नॉट सी मुझे विश्वास नहीं है या मुझे जो श्योर नहीं है कि ये दोनों हल कर सकते हैं पर मैंने और कहा क्योंकि वे समझते थे कि भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी वो जो समस्या क्या है सबसे मेरा समय और है सबसे बड़ी समस्या वो बॉर्डर समस्या है पर मैं समझता क्या है मैंने कहा है कि चीन और भारत के बीच सबसे बड़ी समस्या वो बॉर्डर इश्यू नहीं है सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम एक दूसरे पर विश्वास करते नहीं विश्वास की समस्या है अगर चीन में इतने लोग भारत के बारे में कहते रहते हैं कि भारत क्या कर रहा है आज क्या करना चाहता है ये आजकल तो हम करते हैं हमको डरते हैं कि चीन भारत जापांग और अमेरिका के पीछे चलते हैं जापांग और अमेरिका के साथ ही चीन को दबाना चाहता है और भारत में आप यहाँ पढ़े हुए हैं आप समझिएगा भारत लोग समझते थे कि चीन पाकिस्तान को लेकर भारत को दबाना चाहता था पर एक यहाँ एक प्रश्न मैं पूछता हूँ क्या भारत को दबाना या भारत के चीन को दबाने से क्या मिल सकता है कुछ नहीं मिलेगा फायदा क्या है कुछ फायदा नहीं है पर हम अभी चीन और भारत के बीच विश्वास नहीं है हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं यहां तक के एक बात यह है अगर आप तेलुगु से आए हैं मैं आपके सामने हिंदी में बात करता हूं आप समझते हैं कि मैं आपका आदर नहीं करता वैसे तो भैया मैं हिंदी तो आपकी ही है मैं आपके सामने आपकी भाषा बोलता हूँ क्या मैं आपका आदर नहीं करता ठीक है मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ता है अगर आप मुझ पर विचार करते हैं तो क्यों ऐसा समझते हैं मैं आपकी भाषा ही बोलता हूँ अगर मेरी बात अगर मैं तमिल में बोल सकता तो मैं तमिल में बोलूँगा अगर मैं वो जो बंगाली में बोल सकता तो मैं आपके सामने बंगाली में बोल सकता हूँ अभी भी वाइस चांसलर ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी के मेरे सामने हंगकांग भाषा बोलते हैं उन्होंने मुझे बताया प्रोफेसर जियांग मैं चाहता हूँ आपको हो सकता है हांगकांग की भाषा नहीं आती पर मैं आपका
आदत दिखाने के लिए मैं हंगामे आपसे कुछ बात करता हूँ, पर मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। अगर मैं आपके सामने हिंदी बोल रही है, जो मराठी लोग हैं मराठी हिंदी समझते हैं, तमिल लोग भी समझते हैं हिंदी के ना, सब समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ आपके पास जानकारी है, बॉलीवुड क्या होता है, बॉलीवुड में सब कुछ होता है। इसलिए अभी विश्वास की बात है, इसलिए इसी से लेकर मैं समझता हूँ चीन और भारत के बीच। अभी जब मेरा जो किताब जो सूर सागर, मैंने अभी भी सूर सागर का वो जो किताब है जो पूर्व भाषा से मॉडर्न चाइनीज में मैंने ट्रांसलेशन किया है, इसी महीने की 8 तारीख को जो दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने बुक रिलीज कर दिया था, उसमें आपके फॉलो मेंबर धर्म विजय जी ने कहा है कि देश के बीच दो तरह के संबंध हो सकते हैं, एक तो पॉलिटिकल वाला, एक तो इकोनॉमिक वाला, एक तो सांस्कृतिक वाला। उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसलेशन क्या है, जो संस्कृत वाले के जो संबंध पर ध्यान देता है, महत्व देते हैं। साहित्य क्या है, साहित्य जो हाथ की बात है, जो चीन आपके दिल में जा सकता है। मैं बहुत बहुत सहमत हूँ बात क्या, जो हमने जो सूर सागर का अनुवाद क्या है, हम चीनी लोगों को बताते हैं कि सूर सागर में क्या है। हालांकि सूर का सागर में वो क्या है कि आपके कृष्ण जी हैं, भगवान है, पर भगवान के क्या है, मैं समझता हूँ क्या यशोधरा जी के ओर से जो कृष्ण जी के प्रेमी प्रेम है, क्या किसी माता के बीच नहीं है, किसी माता के दिल में वो प्रेम नहीं है, अपने पिता के लिए वो प्रेम नहीं है, वो सब प्रेम होता है ना। हाँ, ये सब निधन जी, सो ये सब होता रहता है। और एक जो नौजवान लोगों के लिए भी हो सकता है, होता है, बात क्या है कि श्याम और राधा के बीच जो प्रेम है, क्या आजकल हमारे जो नौजवान के बीच नहीं हो सकता, वो होता ही है। चाहे आप नास्तिक हैं, चाहे आप आस्तिक हैं, आस्तिक और नास्तिक कोई फर्क नहीं है, जैसा कि क्लास आधा भरा है आधा खाली है, एक ही है। क्या आप सब लोग समझते हैं चीनी लोग सब नास्तिक हैं? नहीं है भैया, हम भगवान गौतम की पूजा करते हैं। हम एग्जामिनेशन देने के पहले भगवान गौतम की पूजा करते हैं, भगवान आप मुझे रक्षा कीजिएगा, जो पास कर दीजिएगा। वो क्या है, वो अनास्तिक है, आस्तिक मतलब आधा रास्ते में, हम सब रास्ते में पर है, बहते हैं, घूमते रहते ही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ आज जो साहित्य से असाहित्य सांस्कृतिक से, अभी भी मैंने जो 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 रिपोर्टर्स जी से भी कहा है कि हम, मुझे लगता है अभी जो दोनों देशों के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन वही है, इकोनॉमिक जो आर्थिक जो संबंध वही है, बिजनेस करना है, भारत चीन में पैसे कमाना चाहता है और चीन भारत में पैसा कमाना चाहता है, वही आप उस पर ध्यान दें या न दें, वो होगा ही ना। और पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो संबंध है वही होगा, हमारे जो शी जिनपिंग महत्व देंगे भारत पर और मोदी जी भी चीन पर महत्व देगा, वो चाहे हम देंगे या न देंगे वो देंगे ही। पर एक बात क्या है कि साहित्य के बीच जो संबंध है, सांस्कृतिक जो संबंध है, अगर हम जैसे प्रोफेसर स्कॉलर्स इस पर ध्यान नहीं देते, महत्व नहीं देते, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ कॉल करता हूँ कि क्या हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि कुछ इसके बारे में, इस दौरान में भारत में आया है स्टडी ट्रिप, मैं कहता हूँ स्टडी ट्रिप के बारे में मैं एक बुक लिख रहा हूँ कि किताब लिख रहा हूँ कि भारत साहित्य सांस्कृतिक में ही लिखता हूँ। बात क्या है कि मैं चाहता हूँ कि चीनी लोगों को बताऊंगा भारत कैसा कैसा है। इतने चीनी लोग आज तो इतने चीनी लोग भारत की यात्रा करते हैं, उन्होंने क्या देखा है, रास्ता अच्छा नहीं है, देखा है यहाँ गंदा है, देखा है यहाँ जो कहा है 8 बजे पहुंचेंगे, 8:30 बजे 9 बजे पहुंचते हैं, इंडियन टाइम देख बात है, मैं समझता हूँ, पर ईश्वर इतने देखा है,
पर उन्होंने देखा नहीं है कि इंडिया गेट के आसपास एक लेडी एक दृश्य मेरे यहाँ मैं कहता रहता हूँ एक दृश्य यहाँ पर बैठा हुआ है एक इंडियन लेडी भारतीय लेडी वहाँ बैठी हुई है मूंगफली खाती रहती है उनके पास कबूतर कितने कितने कबूतर वहाँ पर है वे एक मूंगफली अपनी मुंख में दे दी थी और साथ ही जो कबूतर को दे दी थी है और वहाँ क्या है कितने कितने हैं मैं कहता रहता हूँ जी में भी कबूतर है पर इतने कबूतर कहाँ से खोज सकते हैं कहाँ आप देख सकते हैं कबूतर वो खींच भारत में आप देखिए कितना सुंदर चीज है कितनी कोमलता है ये सिर्फ दो टीम पांच टीम पंद्रह टीम के लिए भारत को यात्रा करने के लिए नहीं मिल सकता वो सिर्फ रास्ता अच्छा नहीं है वो खराब रास्ता है वो मिल सकता है इसलिए अगर हम जैसे जो स्कॉलर हम जैसे जो प्रोफेसर ऐसी इसी में जो बात करते हैं इसी में जो किताब लिखते हैं सिर्फ जर्नलिस्ट के ढंग से नहीं है जो आप हिंदी में या मराठी में अंग्रेजी में भारतीय लोगों को बता सकते हैं मैं चीनी में अपने जो खाचू में को बता सकता हूँ सही भारत क्या है और मैं ये कहता रहता हूँ चीन में मैं हिंदी का प्रचार प्रसार करता रहता हूँ कि 2005 के पहले चीन में आप मान लीजिएगा सिर्फ तीन चार विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई होती है अभी हमारी वजह से हमारी कोशिश करने से अभी चीन में 14-15 विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई होती है ये सब काम है मैं समझ रहा और मैं बहुत खुशी से आपको बता रहा हूँ कि चीन में जो हिंदी विभाग के सारे जो अध्यापक है सब मेरे शिष्य हैं मैं अपने शिष्य को दूसरे विश्वविद्यालय में भेजता हूँ मतलब अभी चीनी सरकार के पास थोड़ा सा पैसा है हमको साथ देती है इसी बारे में चीनी सरकार ये फंड करती है और प्रोफेसर चाइनीज प्रीमियर ली के चांग के चीन भारत में आने के पहले मैंने प्रोफेसर लिखा है कि हमने कहा है प्रधानमंत्री जी हम भारत और चीन के बीच कुछ काम करना है क्या करना है ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट करना है प्रोफेसर ली के चांग मंजूर हुआ अग्री हुआ सहमत है ली के चांग भारत में आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ समझौता हुआ है पर 8-9 महीने के बाद मनमोहन सिंह जी चले गए मुझे थोड़ा चिंता है हाँ उसके बाद 2014 में शी जिनपिंग आए हमने प्रोफेसर और लिखा शी जिनपिंग और आपके नए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वो समझौता भी हुआ है मतलब अभी चाइनीज गवर्नमेंट हमको ये सपोर्ट टू दिस काइंड थिंग्स सो चीन सरकार हमको अभी साथ देते हैं अभी ये अच्छा मौका है अगर हम कुछ कर सकते हैं कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पहले तो नहीं हो सकता पहले चीन बहुत खराब था करीब था पैसा नहीं है अभी यही अच्छा अपॉर्चुनिटी को अच्छा मौका को लेकर मैं ये काम कर रहा हूँ मेरा एक टीम है टीम में 40-50 जो सदस्य हैं सभी यही ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं सभी यही काम कर रही है मैं चाहता हूँ कि हम भारत और चीन के बीच में सिर्फ वो जो राजनीतिक संबंध वो दिखाने के लिए है वो जो बिजनेस संबंध इकोनॉमिक संबंध और आर्थिक संबंध वो पैसे कमाने के लिए है पर सांस्कृतिक संबंध आप देखिएगा वो तो दिल को छूटना है दिल और दिल के बीच की बात हम कहते हैं मैं यही कहना करना चाहता हूँ आज ये मैं यही करना कर रहा हूँ और सिर्फ मैं नहीं करूँगा सिर्फ मैं नहीं करूँगा और मैं अपने जो पीछे वाले जो पुश कर रहा हूँ ये लोग भी हमारे बीच आएंगे यही काम करेंगे भारतीय भाषाएं सीखेंगे भारतीय के बारे में ही चीन और भारत के सांस्कृतिक संबंध पर महत्व देंगे यही 20-25 मिनट हो गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको थैंक यू